नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी को प्रकृति के क्लोज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, अक्टूबर के मंथ में कौन कौन से परमानेंट फूलों वाले पौधों की कटिंग हम लोग लगाकर मुफ्त में पौधे रेडी कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। तो वीडियो फुल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अक्टूबर के मंथ में हम लोग कैलेंचो पौधों की कटिंग को इस समय बहुत ही आसानी से लगा सकते। ये काफ़ी खूबसूरत पौधा होता है, ये बहुत ही सुंदर गुच्छों में भर भर कर फूल देता है। ये परमानेंट पौधा होता है, विंटर में इसके ब्लूमिंग महीनों दिनों तक बने हुए होते हैं और काफ़ी लो मेंटेनेंस और सकलेंट टाइप का यह पौधा होता है। बहुत कम केयर में ये एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। इसकी एक मेच्योर नीचे की पत्ती बड़े साइज की भी लेकर आप लगाएंगे तो इसमें रूटिंग हो जाएगी और धीरे से फिर नीचे से एक पौधा नया रेडी होगा। इसकी इस तरह से टिप की एक से दो नोड वाली आप कटिंग लेंगे तो वो भी काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाती है। इसकी कटिंग को लगाने के लिए बहुत ही सैंडी सॉइल लीजिएगा क्योंकि ये एक सकुलेंट पौधा होता है। और ये देखिए, ये हाइब्रिड कैलेंचो का कटिंग आप लोगों को लगाना बता रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत होता है हाइब्रिड कैलेंचो। इसकी जो फूल होते हैं मल्टी पेटल में होते हैं और महीनों दिनों तक ये खिले हुए रहते हैं। आपके गार्डन में एक बार ब्लूम होगा और ये सालों साल आपके साथ चलेगा और हर साल यूँ ही ब्यूटीफुली ब्लूम होते रहेगा। इसकी कटिंग भी लगाना काफ़ी आसान होता है। साथ ही देखिए दोस्तों, ये वेरीगेटेड कैलेंचो है। मेरे पास तीन तरह की कैलेंचो की वैरायटी है। हाइब्रिड में कई सारे कलर होते हैं और देसी और वेरीगेटेड में ये रेड कलर की मैंने अभी तक देखी है। तो देखिए, इस तरह से नीचे नीचे की पत्तियों को हटाना, और ये पत्तियाँ वेस्ट नहीं होती हैं, इन पत्तियों को भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं। एक नोट बस सिंपली आपको मिट्टी के नीचे देना है और ये परमानेंट पौधे होते हैं। बस इसको बारिशों में हमें थोड़ी सेव करके रखनी होती है। बारिशों के दिनों में इसे हम लोगों को सेडी प्लेस में रखा जाना चाहिए। और ये देखिए, रूट भी निकल कर आ गए हैं। ये पत्तियों को मैंने ग्रो करी हुई थी तो इसको लगा देती हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, इस समय हम लोग जाफरी मैरीगोल्ड या इंका मैरीगोल्ड, कोई सी भी मैरीगोल्ड की कटिंग इस समय हम लोग लगाएंगे तो काफ़ी इजीली उसमें रूटिंग देखने को मिल जाती है। तीन दिनों में मैरीगोल्ड की कटिंग में रूटिंग हो जाती है। इसकी कटिंग लगाना सबसे ज़्यादा आसान होता है। इन दिनों इसकी कटिंग में एरियल रूट्स भी निकले हुए होते हैं और एरियल रूट ना भी हो तो भी ये काफ़ी खूबसूरती के साथ आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। मैरीगोल्ड के बिना विंटर गार्डन अधूरा होता है, काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इसके कई सारी वैरायटीज होती हैं और इसमें बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू भी आती है। तो इस तरह से छोटी छोटी कटिंग भी आप अपने पौध से लेंगे तो इस तरह से नीचे की पत्तियों को हल्के हाथों से रिमूव करिएगा ताकि उसके ऊपरी स्किन ना निकल जाए। और एक हल्का सा गड्ढा बनाकर आप किसी भी पॉट में साइड में आप डाल देंगे, अलग से कोई सॉइल भी आपको नहीं बनानी है तो भी ये आसानी से ग्रो हो जाती है, इतना ईजी टू ग्रो प्लांट होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये बालसम का पौधा आप लोग देख रहे हैं तो इसकी भी आप इस समय टिप की कटिंग लगा लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये जल्दी से ग्रोथ लेगा और मल्टीपल ब्रांचेस फेंकेगा। इसमें इस तरह के सीड पॉट भी बनते हैं, सीड से भी काफ़ी इजीली ग्रो हो जाते हैं, लेकिन इस टाइम पर सीड से आप ग्रो करेंगे तो ये जल्दी से ब्लूमिंग नहीं देगा। वहीं आप इसके कटिंग को लगाएंगे तो काफ़ी भर भर कर ये ब्लूमिंग स्टार्ट कर देगा जल्दी से ही। तो ये वाली भी देखिए, मैं कटिंग से ही रेडी की हूँ तो कटिंग से रेडी पौधे को भी आप मैं कटिंग से और मल्टीप्लाई कर लूँगी। इस कटिंग की भी मैं कटिंग ले लेती हूँ तो इस तरह से दो तीन पत्तियों को आप रिमूव कर दें और एक नोड भी आपको मिल जाएगा, बस मिट्टी के नीचे दबा दीजिएगा। बस इसकी पत्तियों को जब आप निकालेंगे तो बड़े ध्यान से निकालिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसके स्टेम में पानी भरे हुए होते हैं, कम पानी में इसको रखना है, इसकी सॉइल को भुरभुरी सॉइल में देना है। तो इस तरह से इसकी कटिंग लग गई, बहुत ही आसान है बालसम की कटिंग को लगाना। इसे चीरा मीरा का भी पौधा कहते हैं और तीन दिनों में इसमें भी रूटिंग मैरीगोल्ड की तरह ही निकल कर आ जाती है। दोस्तों, काफ़ी आसान है इसकी कटिंग को लगाना, ओवर वाटरिंग से बचाइएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जेरेनियम का पौधा यदि आपके गार्डन में बचा हुआ है लास्ट ईयर का तो उसकी कटिंग आप लोग इस समय बेहिचक लगा ले ताकि आने वाले दिनों में मुफ्त में आप इसके कई सारे पौधे रेडी कर सकते हैं। या फिर आप नर्सरी से जेरेनियम लेकर आए तो उस
पौध की भी कटिंग आप लगाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक पौधा आप नर्सरी से खरीदेंगे और उसे कई पौधे आप रेडी करेंगे, इसे ही कहते हैं लो बजट गार्डनिंग। एक पौधे से हम लोग अनेक पौधा जब रेडी करते हैं तो गार्डनिंग का मजा ही कुछ और होता है। बस इस तरह से आपको छोटी छोटी कटिंग लेनी है, 1.5 इंच 2 इंच 3 इंच जैसे भी कटिंग आपको मिले, हल्के हाथों से इन पत्तियों को रिमूव करें और एक नोड भी आपको इस तरह से मिलेगा। देखिए इसमें एक है, मुश्किल से 2 नोड आपको दिख रहा होगा। एक भुरभुरी सॉइल में डाल दीजिएगा क्योंकि ये भी एक सकुलेंट टाइप का ही पौधा होता है। इसके भी स्टेम में पानी भरे होते हैं। काफ़ी इजी है इसकी कटिंग को लगाना और इस टाइम पे तो इसको कटिंग लगाकर हमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये टोरिनिया का पौधा आप लोग देख रहे हैं, अगर आपके गार्डन में ये बचा हुआ है तो इसकी कटिंग को भी आप लोग इस समय लगा लें क्योंकि इसका एक पौधा काफ़ी दिनों तक नहीं चलता है। इसकी भी कटिंग लगा कर कोलेज के जैसे ही हमें इसे सेव करना पड़ता है। नर्सरी से भी आप कोई पौध लाएँ तो उसकी भी कटिंग लगाकर आप ढेरों पौधे मुफ्त में रेडी कर सकते हैं, अनगिनत पौधे आप रेडी कर सकते हैं, एक पौधे से अनेक पौधा बना सकते हैं। तो इसकी 2 इंच से 3 इंच की कटिंग आपको टिप से लेनी है और एक नोड अगर आपको भी मिले तो ये काफ़ी आसानी से ग्रो होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने 3 कटिंग ली है तो इस तरह से एक एक नोड सारे कटिंग में आई हुई है, ज़्यादा नोड इसमें नहीं मिलती है। तो एक भुरभुरी सॉइल में पहले आप उसको होल करना है, डायरेक्ट कटिंग से आपको उसमें होल नहीं करना है, पहले किसी टूल से होल बनाए, मिट्टी में छेद बनाए और फिर उस छेद में आपको इसको प्रेस करना है जेंटली, हाथों से भुरभुरी सॉइल में लगाइएगा और मॉइस्चर का ख्याल रखिएगा जिससे कटिंग खराब नहीं हो। ओवर वाटरिंग मत करिएगा, ओवर मॉइस्चर मत करिएगा जिससे कि कटिंग सड़ जाए, और लेकिन सूखने भी मत दीजिएगा। कटिंग की मिट्टी में नमी बनाकर ही हमें चलना है जिससे कि कटिंग में जड़े बनने में आराम हो, आसानी से जड़े बन जाए। तो इस तरह से ये छोटी छोटी कटिंग लगाकर आप ढेर सारे मुफ्त में खूबसूरत टोरिनिया के पौधे को रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इस समय आप लोग जीनिया की कटिंग भी लगा सकते हैं। जीनिया वैसे तो सीड से काफ़ी इजी टू ग्रो पौधा होता है, लेकिन अगर आप एक बार इसे अपने गार्डन में लाए हैं तो इसके सूखे हुए फूलों को बिखेरने से भी काफ़ी ज़्यादा इसमें आसानी से जर्मिनेशन देखने को मिलती है। लेकिन बीजों से उगाए हुए पौधे में फूल लेट से आते हैं, वहीं कटिंग से आप कोई पौधा रेडी करते हैं तो उसमें आराम से ब्लूमिंग देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप टिप की आप जब पिंचिंग करते हैं तो थोड़े नीचे से पिंचिंग करें। पिंचिंग करने से 2 फायदा होता है, एक तो पौधा घना भूसी होता है, दूसरा हमें कटिंग मिल जाता है। तो थोड़ी नीचे से पिंचिंग करने के बाद देखिए एक नोड इसमें मिला है, इसको मैं सॉइल में दबा दूंगी तो एक नया पौधा मुझे रेडी हो जाएगा। यदि आप सीड से भी ग्रो करते हैं पौधे को तो जब इतने जितने बड़े मेरा पौधा है उतना बड़ा आपका पौधा हो जाए तो उसे पिंचिंग करने के टाइम पे आप थोड़ी नीचे से पिंचिंग करिएगा तो आपका पौधा घना बुशी होगा, साथ ही नया पौधा भी मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये टाइम हमें पर्सलेन और पोर्चुलाका के पौधे को सेव करने का है। तो इसकी भी कटिंग हम लोग बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, जो हमारा परमानेंट पौधा होता है, जैसे कि हिबिस्कस हुआ, प्लमेरिया वगैरह हुआ और भी कई सारे, तो उसके पॉट में काफ़ी ज़्यादा खाली जगह होता है क्योंकि विंटर में हम लोग उसकी ना गुड़ाई करते हैं ना उसमें कोई खाद देते हैं। इस तरह से तोड़कर छोटी छोटी सी कटिंग लगाकर आप सारे रंगों के पौधे को आप सेव कर सकते हैं। ये तो पर्सलेन काफ़ी खूबसूरत से ब्लूमिंग इस टाइम पर भी मेरे गार्डन में दे ही रहा है, तो आप लोग इसकी भी कटिंग लगाकर सेव कर सकते हैं। पर्सलेन भी काफ़ी खूबसूरत और सकुलेंट टाइप का पौधा होता है, उसी की तरह ही ये पोर्चुलाका का प्लांट है, इसे 10 o'clock प्लांट भी, ऑफिस टाइम प्लांट भी कहते हैं। तो इसकी भी कटिंग काफ़ी इजीली इसी तरह आप लोग लगाकर सेव कर सकते हैं। इसमें कई सारे सीड पॉट भी खुद ही रेडी होते हैं और स्प्रिंग टाइम से ही ये बीज खुद ब खुद जर्मिनेट हो जाता है। ये पॉट में मेरा लास्ट ईयर का पौधा खुद ही सीड से ग्रो हुआ। इस साल मैंने येलो कलर की पोर्चुलाका खरीदी भी नहीं थी और देखिए खुद ब खुद सीड से ये ग्रो हो चुका है। इसकी भी छोटी छोटी कटिंग आप लोग हिबिस्कस और प्लूमेरिया वगैरह के पॉट में ग्रो कर सकते हैं जिससे कि आपका नेक्स्ट ईयर के लिए सेव भी हो जाएगा और आपको नया परचेसिंग भी नहीं करना पड़ेगा समर और स्प्रिंग के टाइम में। काफ़ी इजी टू ग्रो पौधा होता है, फेक भी देने से इसकी कटिंग लग जाती है, काफ़ी हार्डी पौधा होता है, लो केयर में लो वाटरिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, इस टाइम हम लोग क्रिसैंथेमम या मम्स या गुलदावरी की कटिंग या गुलदावरी भी कहते हैं, इसकी कटिंग लगाकर विंटर में बेहतरीन ब्लूमिंग का मज़ा हम लोग ले सकते हैं। काफ़ी डिफरेंट कलर शेप एंड साइजेस में ये अवेलेबल होता है। नर्सरी से आप इसकी छोटी सी पौध भी ला सकते हैं या आपके पास ओल्ड मदर प्लांट बचा हो तो उसकी भी आप कटिंग लेकर ग्रो कर सकते हैं।
टिप से हमें हेल्दी 2 से 3 इंच की कटिंग हमें लेना है नीचे की पत्तियों को रिमूव करते हुए। आप एलोवेरा जेल में डिप करने के बाद कटिंग को इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग आप रिवर सैंड में लगाएंगे या फिर आप पॉट की वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएंगे तो इसकी कटिंग काफ़ी इजीली ग्रो हो जाती है। इसकी कटिंग को लगाना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से देखिए, आप सकर को भी लेकर आप लगा तक सकते हैं। सकर्स की कटिंग हम लोग ऐसे ग्रो करते हैं, सकर्स जो साइडों से हेल्दी ब्रांच फेंकता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करता है, उस पर बहुत सारे ब्लूमिंग देता है। तो इस तरह से आप सकर्स को भी लगा सकते हैं। इस टाइम पर आप विंका की कटिंग लगाएंगे, विंटर में काफ़ी अच्छे ये ब्लूम होते हैं हाइब्रिड विंका। देसी वाला तो साल भर ब्लूमिंग करता है, हाइब्रिड वाला समर हो विंटर हो बस रेनी सीजन में हाइब्रिड विंका थोड़े कष्ट में आ जाता है। तो इस तरह से आपको इसकी कटिंग को लगाना है और कम से कम हफ्ते भर में इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी आसान है, आप इसको कटिंग लगाकर भी सेव कर सकते हैं। बरसातों में कई बार हमारा पौध खराब हो जाता है, देखिए इस तरह से कितनी बढ़िया रूटिंग होती है विंका में। हाइब्रिड विंका बरसात में काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है, तो उन खराब कटिंग को पौधे को हमें हटाना है और नई नई कटिंग को हमें लगाते रहना है जिससे हमारे पास इसकी वैरायटी बची हुई रहे। एक बार हम खरीद के लाते कोई पौधा तो हमें यही कोशिश करना चाहिए कि वो हमारे गार्डन से कभी नहीं जाए। इस टाइम पे आप वर्डेलिया की भी कटिंग लगा सकते हैं। वर्डेलिया की कटिंग इस तरह से रूटिंग होती है कि आप जिस पॉट में उसकी कटिंग को रखेंगे उसी पॉट में वो जकड़ जाएगा और ड्रेनेज होल से उसकी जड़ें निकल कर पॉट की मिट्टी तक चली जाती है। काफ़ी हार्डी पौधा होता है, मॉइस्चर लविंग पौधा होता है और हैंगिंग बास्केट में ये भी काफ़ी सुंदर लगता है। कटिंग में लगे लगे ही ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है, इतना हार्डी होता है ये वर्डेलिया का पौधा। इसके फ्लावर छोटी छोटी सूरजमुखी के जैसा दिखता है, काफ़ी ब्यूटीफुल और हार्डी पौधा होता है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों। इस समय आप कनेर की भी कटिंग लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसानी से इस टाइम पर कनेर की कटिंग अक्टूबर के मंथ में लग जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, इस समय अक्टूबर के मंथ में आप लोग हिबिस्कस की कटिंग को लगाकर नए नए मुफ्त में पौधे रेडी कर सकते हैं। काफ़ी तरह की वैरायटीज में हिबिस्कस आप लोगों को नर्सरी में मिलेगी, तो या आप फ्रेंड के गार्डन से भी कटिंग लेकर लगा सकते हैं। तो 4 इंच तक की आप इसकी कटिंग लेंगे और मल्टीपल कटिंग लीजिएगा और इस एक्स्ट्रा पत्तियों को रिमूव करने के बाद एलोवेरा जेल या रूटिंग हार्मोन में डुबा लें जिससे कि कटिंग की 100% सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। तो नीचे की पत्तियों को ज़रूर हटाइएगा क्योंकि उससे कटिंग में फंगस नहीं लगता है और कटिंग के जो चलने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 45 डिग्री एंगल पर कट मार्क करके उसे अच्छे से आप लोग पानी में गीला कर लीजिएगा और फिर रूटिंग हार्मोन में डुबाइएगा तो अच्छे से रूटिंग हार्मोन उस कटिंग में चिप केंगे। तो रूटिंग हार्मोन को इस तरह से लगाने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है और पॉट में आप गड्ढा बना ले, डायरेक्ट कटिंग से होल मत करिएगा वरना रूटिंग हार्मोन मिट्टी के ऊपरी भाग में फंस कर रह जाएगी। तो कभी भी आप रूटिंग हार्मोन लगाते हैं तो पहले किसी टूल से हमें छेद बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें कटिंग को लगाना पड़ता है दोस्तों। डायरेक्ट कटिंग को हमें छेद में नहीं घुसाना है, होल बनाने के बाद ही हमें कटिंग को डालना है। इस तरह से देखिए, तो रूटिंग हार्मोन के साथ कटिंग लगती है, तो आपको पहले छेद बनाना है मिट्टी में, ये मैं बार बार कहती हूँ। और इस तरह से कटिंग काफ़ी आसान है इसको लगाना और 15 से 20 दिनों में ये एक बहुत ही हेल्दी पौधा बनकर रेडी हो जाता है। इसी तरह आप इस समय प्लूमेरिया की भी कटिंग लगा सकते हैं, प्लूमेरिया साथ ही फोर्बिया मिली की भी कटिंग लगा सकते हैं। और कटिंग को हम लोगों को इस तरह से पॉट में रखना है जिससे उसे नमी मिलती रहती है और पौधा हमारा ख़राब नहीं होता है। नागचंपा की भी कटिंग आप लोग इस टाइम पर लगा सकते हैं। तो ढेर सारे परमानेंट पौधों की कटिंग लगा सकते हैं आप लोग। अक्टूबर के मध्य मैक्सिकन पिटूनिया की भी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं, काफ़ी आसानी से लगता है। जेट्रोपा भी कटिंग लगा सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।